हाय मनमोहन अगे। देखिए, बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि सफलता की कोई एक तो सीक्रेट होगी। जब हम YouTube पे वीडियोस देखते हैं तो YouTube भरा पड़ा है ऐसे स्टेप से, वन स्टेप्स, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फाइव स्टेप, सेवन स्टेप्स, और हर एक स्पीकर कुछ ना कुछ अपना एक स्टेप दे देता है और अपने एक तरीका लगा देता है और हम उसको पढ़ते रहते हैं। हम उससे क्लैरिटी पाते हैं या कंफ्यूज होते हैं? लेट अस डिस्कस ए वन स्टेप ऑफ सीक्रेट, ओनली वन स्टेप, एंड होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड गेट बेनिफिट बाय दिस। देखिए, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको सोने नहीं दे, जो आपको ड्राइव करे, जो हमको ट्रिगर करे। इसका नाम है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आउटकम। आउटकम मीन्स कुछ ऐसी विजुअल्स क्रिएट करें, ऐसा कुछ गोल क्रिएट करें, उस गोल के, उस इमेज के कुछ ऐसे विजुअल्स हो जो हमको ट्रिगर करते हो, जो रेस्टलेस करते हो। वो इमेज, वो ड्रीम, वो डिजायर हमको एक इनफ वाई क्रिएट करें, एक इनफ रीजन दे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, अपनी नींद को तोड़ने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, और अपने उन सब रिचुअल्स को बदलने के लिए जो हमको मजबूर कर दे उस चीज को अचीव करने के लिए। उसको कहते हैं आउटकम। ये जो आउटकम है, ये आपकी एक ऐसी तीव्र बर्निंग डिजायर हो सकती है जो आपको एक वजह दे, एक रीजन दे उस चीज को अचीव करने का। और ये जो रीजन है, ये इतना मजबूत होना चाहिए कि जिसके सामने आपको ऐसा लगे ये नहीं तो वो नहीं, अगर मैंने इस बिहेवियर को नहीं छोड़ा तो मैं उस बड़ी डिजायर्स को अचीव नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं आउटकम। और इस आउटकम की, इट मे बी ए कार, इट मे बी ए हाउस, इट मे बी सम प्रॉपर्टी, और ये कोई भी आपकी डिजायर हो सकती है जो आपको ड्राइव करे। हर एक पर्सन की अलग अलग डिजायर होती है जो उसको ट्रिगर करे, जो उसको रेस्टलेस करे, जो उसको ड्राइव करे। इसको हम कहते हैं आउटकम स्ट्रक्चर। इसके विजुअल्स क्रिएट करें, विजुअल्स की सब मॉडलिटीज क्रिएट करें, उसको होते हुए देखें, उसकी ऑडिटरी, उसको सुने आप, उसको देखें कि आप उसको अचीव कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। उसके आप पेंस और गेंस को देखें कि मुझे ये मिला तो मुझे क्या महसूस होगा, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या अपने रिचुअल्स को बदल सकते हैं, क्या अपनी आप दिनचर्या को बदल सकते हैं, क्या उसके लिए कुछ अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। एनएलपी कहती है यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू अचीव एनीथिंग ऑन दिस अर्थ, जस्ट आपको केवल एक अलाइनमेंट करने का जरूरत होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, कभी भी किसी भी न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर ट्रेनर से आप ये विधा सीखे, क्योंकि अगर भगवत गीता स्पिरिचुअल मोक्ष दिला सकती है तो इस धरती पर कुछ भी आप अचीव करना चाहे तो अपनी न्यूरोलॉजी को चेंज करके आप अचीव कर सकते हैं। और यहां पे एक और बात आती है कि इसको अचीव करने के लिए आप इंटरेस्टेड है या कमिटेड है। इस सिंपल दो बातों को समझना है। इंटरेस्ट मीन्स जो मुझे कन्वीनियंस होगा, जो मुझे सूट करेगा, उसके हिसाब से मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा। यस, आई एम जस्ट इंटरेस्ट टू अचीव दिस। लेकिन एक कमिटमेंट होता है जो ये कहता है कि उस डिजायर को अचीव करने के लिए जो भी मुझे अपने बिहेवियर में बदलाव लाने हैं, अपने रिचुअल्स में बदलाव लाने हैं, मुझे जो भी कोई नई चीज सीखनी है, उस हर चीज को करना कमिटमेंट कहलाता है। हर हालत में उसको अचीव करना कमिटमेंट कहलाता है। इंटरेस्ट की अगर मेरी सुविधा हुई, जो मुझे कन्वीनियंस हुआ, तो उसको इंटरेस्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। अपने आउटकम को डिजाइन करके, इंटरेस्ट को कमिटमेंट में बदल के, यू कैन अचीव योर डिजायर्स एंड अपनी लाइफ को आप बहुत मीनिंगफुल और पर्पसफुल बना सकते हैं। अपने पर्पस को, अपनी इमेजिनेशन को आप जब रियलिटी में होते देखेंगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आप डिलाइटफुल हैं, आप पैशनेट हैं, और आपको वर्दीनेस का एक फीलिंग आएगा एंड यू विल बी अचीविंग एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट आई कैन हेल्प मेनी मेनी पीपल. आई बिलीव दिस कि अगर आप इसको फॉलो करें, लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन. थैंक यू सो मच.